हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहेंगे, सफलता अवश्य मिलेगी। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। डियर, अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, ये कैंडल वैक्स रीडिंग है। आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी है और ये ऑल साइन के लिए है। फेल हो, फीमेल हो, मेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सबके लिए है। कलेक्टिव रीडिंग है डियर। जितना रेजोनेट करता आप उतना रखो, बाकी को जाने दो। मैं ये वीडियो देखना चाहूंगी कि आपके पार्टनर आपके लिए कल रात क्या फील कर रहे थे, आपको लेकर क्या उनकी एनर्जी थी, आपको लेकर क्या वो सोच रहे हैं, आपको लेकर उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। अगर आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन है, डिप्रेशन है, अभी भी आप निकल नहीं पा रहे हो पेन से, तो क्यों नहीं निकल पा रहे हो, तो मैं यहां देखना चाहती हूँ कि सच में आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके ट्रू फीलिंग्स क्या थी कल रात आपको लेकर। ठीक है भैया, तो चलिए गाइड कीजिएगा डिवाइन यूनिवर्सल शक्ति। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के ट्रू फीलिंग्स क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है कल रात। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या उनके लिए फील कर रहे थे, क्या वो सोच रहे, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन होगा। एंजल्स गाइड कीजिएगा, स्प्रिट गाइड, ऑल आर्क एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा, अर्थ मदर गाइड कीजिएगा। देखिए डियर, यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ही इमोशनल हुए हैं, ठीक है, और जिस सिचुएशन में हैं अभी, करंट में भी और नाइट की भी बात मैं कर रही हूँ, अगर आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो वहां से वो निकलना चाहते हैं और ये खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशनल बहुत हो रहे हैं आपको लेकर, जस्टिस को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, मैरिज को लेकर, न्यू शुरुआत को लेकर आपके पर्सन बहुत सोच रहे थे और ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, या फिर हस्बैंड वाइफ हो या फिर आपके पार्टनर हो सकता है, कि आपसे शादी ना हुई हो या फिर आपसे मैरिज की बात चल रही हो या फिर एंगेजमेंट हुआ हो या फिर बातें चल रही हो, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर कल रात बहुत उनके मूड में मूड स्विंग हो रही थी, उतार चढ़ाव की एनर्जी थी, इस रिश्ते को लेकर अब उन्हें बहुत एहसास हो रहा है। इस रिश्ते को लेकर इतना क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब लगता है डियर कि ये रिश्ता मेरे लिए कुछ खास है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको कहीं से गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से, क्योंकि ये खुद को अब सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स गॉड को। अब ये सोच रहे हैं कि कुछ भी करो तो आप करो। हो सकता है डियर कि आपके पर्सन अटके हुए, फंसे हुए हो और वहां से नहीं निकल पा रहे हैं और आपको जस्टिस भी देना चाहते हैं, तो आपके पर्सन गॉड को सरेंडर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो भी करना है आपको करना है, क्योंकि मेंटली देखिए तो ये पर्सन खुद से फाइट कर रहे हैं। ठीक है, लव आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग बढ़ता जा रहा है और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस रिश्ते को शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत मिसिंग एनर्जी थी कल रात आपके पार्टनर को, आपको लेकर यहाँ कुछ लोगों से बात भी हो रही है, कुछ लोग से मुलाकात भी हो रही है और बहुत मेरे व्यूवर्स को बहुत जल्द आपको आपके पार्टनर के तरफ से कमिटमेंट मिलेगी। कुछ लोग की रियूनियन हो रही है, कुछ लोग को आपके पार्टनर आपको समझा सकते हैं, लेकिन ये पर्सन अंदर ही अंदर ना तड़प रहे हैं डियर। ठीक है, खुद से ये नाराज हो चुके हैं, शायद वो आपके लायक नहीं है ऐसा सोचते हैं, लेकिन ये सो नहीं करते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी, देखिए थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, तो जो थर्ड पार्टी है वहां से निकलना इन्हें मुश्किल जरूर है, या पेरेंट्स हो सकते हैं, इनको धमकी मिल रही हो, थर्ड पार्टी हो या फिर मैरिड हो, तो किसी न किसी तरह से इन्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है और ये अंदर ही अंदर घुट रहे हैं सोसाइटी, समाज, फैमिली को लेकर, पेरेंट्स को लेकर। सही मायने में ही आपको जस्टिस देना चाहते हैं और यूनिवर्स गॉड से हेल्प मांग रहे हैं। ठीक है, सच्चाई बहुत जल्द आपके पार्टनर के सामने आने वाला है, जो भी सच्चाई है थर्ड पार्टी को लेकर, जिसने मुखौटा लगाया है उस मुखौटे का अंत होने वाला है। कुछ समय के बाद आपके पार्टनर आपको सच्चाई सुनाने वाले हैं, कुछ सच उनके सामने आ रहा है, बहुत जल्द आएगा और ये हटने वाला है मुखौटा, थर्ड पार्टी का मुखौटा हटने वाला है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे ब्रेकअप कर ये खुश तो नहीं है, खुद से नाराज हैं और ये थर्ड पार्टी जो भी है
आप और आप दोनों को अलग कराने में पूरी तरह लगी हुई है, लगा हुआ है, मेल और फीमेल हो डियर। यहाँ पे देखिए कुछ व्यूअर्स मेरे कार्मिक से आप भी डील कर रहे हो और आपके पार्टनर भी कार्मिक से डील कर रहे हैं, लेकिन जिस सिचुएशन में है थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन डिवाइन यूनिवर्स आपके साथ हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं वो सक्सेस होगा। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ क्योंकि आपके पार्टनर आपके बिना खुश नहीं है, ठीक है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, खुद से फाइट कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात, इस पर्सन को यूनिवर्स के तरफ से गाइडेंस भी मिल रही है, ये रिश्ता कुछ खास है ये एहसास हो रहा है, मूड स्विंग हो रहा है। आप हो सकता है आपसे फिजिकली बहुत ही अट्रैक्ट रहे हैं, उन पल को याद कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि ये गलती हुई है मुझसे और ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कोई कुछ भी बोले। हो सकता है डियर कि आपको यहाँ कोई बदनाम भी कर रहा है, ठीक है, बहुत तरह के लालछन लगा रहे हैं, अच्छे बुरे किसी तरह का आपके ऊपर ब्लेम किया जा रहा है और ये पर्सन सुन नहीं पा रहा है, चाहे घर वाले हो, बाहर वाले हो, फैमिली मेंबर हो, आपके पार्टनर के पेरेंट्स हो, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अब घुट रहा है। अब ये बहुत फोकस है, बहुत नोटिस कर रहा है कि कौन क्या है, कौन सही है और कौन गलत है। यहाँ पे हो सकता है पेरेंट्स से फाइटिंग भी चल रही है, ठीक है, थर्ड पार्टी से फाइटिंग चल रही है, आपके पर्सन अब वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और ये रीयूनियन चाहते हैं। देखिए टेलीपैथी आपके पार्टनर आपको मैसेज भेज रहे हैं, आप भी भेज रहे हो, वो कह नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, कांटेक्ट नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पे आपके पर्सन आपको टेलीपैथी मैसेज कर रहे हैं, वो सो नहीं पाते हैं, आपको जस्टिस ना देकर उनके दिल और दिमाग में फाइटिंग चल रही है और ये प्लानिंग आपके साथ ही करने वाले हैं। बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द थर्ड पार्टी का एंड होने वाला है और सच्चाई सामने आने वाली है, बहुत जल्द आएगा डियर, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मुखौटा मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी का अब दिखने वाला है, हटने वाला है। आपके पार्टनर बहुत नोटिस कर रहे हैं थर्ड पार्टी को लेकर, बहुत हार्मिट मूड में आपके पर्सन, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत मिसिंग एनर्जी है, सोच समझकर, बहुत सोच समझकर अब ये डिसीजन लेने वाले हैं, अब ये डिसीजन लेने वाले हैं, क्योंकि अब बहुत देख रहे हैं, बहुत सोचे, बहुत समझे, अब इन्हें रहा नहीं जा रहा है, सही गलत का इन्हें पहचान हो रहा है डियर। भले ही आपके पार्टनर ने, देखिए डियर ब्लैक ब्लैक कितना गिर रहा है आप देख रहे हो, कितनी वो बहुत है, एक मिनट डियर, बहुत ज्यादा ब्लैक ब्लैक, मतलब अभी भी देखिए ब्लैक का मतलब बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, ब्लैक मतलब अभी भी ब्लॉकेज है, ऐसा नहीं है, जो भी कर रहा है आपके पार्टनर के ऊपर, आपके ऊपर, तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये सब किया धड़ा है, ब्लॉकेज अभी भी है, लेकिन आपके पार्टनर के इतना दिल और दिमाग में चल रहा है कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि देखिए ये पर्सन हर्मिट मोड में है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, अभी भी वो बाहर नहीं निकल पा रहे, लेकिन बहुत स्ट्रांग डिसीजन लेने वाले हैं, क्योंकि बहुत डीप थिंकिंग आपके लिए ये कर रहा है ये पर्सन। एक कमी सी महसूस हो रही है उनके माइंड में, उनके बॉडी में, जैसे लग रहा है डियर कि इनके शरीर का कोई अंग ही नहीं है, लगता है आपके बिना सब कुछ अधूरा है, इन्हें महसूस हो रहा है। सबसे बड़ी बात कि आपको ये मिस तो कर रहे हैं, लव और अट्रैक्शन बढ़ रहा है, आपको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इवन कि यहाँ सब कुछ ठीक हो, प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं, गॉड को सरेंडर कर दिया आपके पार्टनर ने, और ये कहीं ना कहीं बहुत हट हैं, ठीक है, ये आपका दिल दुखाकर ये खुश नहीं है, इन्हें एहसास हो रहा है कि आपका इन्होंने दिल दुखाया है, उस वजह से मेरे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम आ रही, जबकि आपके पार्टनर के लाइफ में हर चीज में प्रॉब्लम आ रही थी, आ रही है, करियर, फाइनेंस, फाइटिंग, झगड़े, लड़ाई, मूड ऑफ, कुछ ना कुछ इनके साथ होने लगा था, हेल्थ इश्यू ऐसे हो रहे हैं और हो रहा था। अब ये पर्सन समझ में आ रहा है, जब इनको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिल रही है तो उन्हें एक एहसास हो रहा है इस रिश्ते को लेकर, सही क्या है, गलत क्या है। देखिए डियर डीप थिंकिंग, कैंडल आवाज हो रही है, ठीक है, ये अंदर ही अंदर रो रहे हैं, ये सो नहीं कर रहे हैं, तो आप यहां उनको गलत साबित ना करें, क्योंकि ये चाहते हैं आपसे फिर से कमिटमेंट आपको देना, मिलना जुलना, बात करना। कुछ लोग का कॉल मैसेज आया है डियर, ठीक है, कुछ लोग का कॉल मैसेज आया, कुछ लोग का आज भी आ सकता है, और कुछ लोग का मैं देख रही हूँ ट्रैवल की एनर्जी है, कुछ लोग आपके पार्टनर बहुत जल्द आपकी तरफ ट्रैवल कर बढ़ रहे हैं, या फिर आप लोग ट्रैवल कर मिलने जा सकते हो, ऐसी एनर्जी है। देखिए डियर ये पर्सन आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत डीप थिंकिंग है, बहुत इमोशंस आपके लिए बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि देखिए जब प्रॉब्लम होती है, आप भी घर में फाइट कर रहे हो, या फिर अपने आप से कर रहे हो, पेरेंट्स से कर रहे हो, फैमिली मेंबर से कर रहे हो, आपको भी फैमिली मेंबर टॉर्चर कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, समझा रहे हैं, हर तरह की बातें हो रही है,
लेकिन यहाँ पे मैं बोलूंगा कुछ मेरे व्यूअर्स से, आपके पार्टनर से फाइटिंग भी हो सकती है किसी बात से, यहाँ पे कंट्रोल करने की जरूरत है। मेरे कुछ व्यूअर्स का ऐसी एनर्जी कि आपके पार्टनर से भी फाइटिंग हो सकती है क्योंकि उनका मूड स्विंग हो रहा है, कभी आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो जा रहा है क्योंकि अभी भी ब्लॉकेज है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ब्लैक ही ब्लैक गिरा, मतलब अभी भी आपके पार्टनर के लाइफ में आपके आसपास अभी ब्लॉकेज है। आप लोग को अलग करने में पूरी प्लानिंग चल रही है, आप लोग डिस्टेंस जो डिस्टेंस मेंटेन किया है उन उसको कम करना चाहते हैं, लेकिन करना चाहते हैं नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। जहां अच्छी बातें सोचते हैं आपके खिलाफ कुछ ना कुछ कान में पड़ जाते हैं या फिर थॉट्स आ जा रहे हैं, जब आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं आपसे बात करना चाहते हैं तो इन्हें कोई ना कोई रोक देता है या फिर कुछ बात बढ़ जाती है। इवन कि यहाँ पे आपके पर्सन पेरेंट्स से भी फाइटिंग कर रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, खुद को बंद करके रखा हुआ है। जहां कोई बात होती है डियर वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, इसलिए आपके पर्सन खुद को ब्लॉक करके रखा हुआ है। डर भी है इस पर्सन को आपको खोने का, ठीक है, इस पर्सन को बहुत बहुत डर है आपको खोने का। और ये हो सकता है डियर कि आपके पर्सन बहुत जल्द आपको समझा सकते हैं, मना सकते हैं और आपसे बातें कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी इनका मूड स्विंग हो रहा है। और करेंट एनर्जी में देखा जाए तो ये नेक्स्ट एक्शन के लिए ये अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हैं, आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। रीयूनियन तो होती दिख रही है कुछ लोग की, कुछ लोग को कमिटमेंट मिल रहा है, कुछ लोग के पार्टनर आपको समझा सकते हैं और बोलेंगे थोड़ा वेट करो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन देखिये डियर, ये पर्सन दिल से आपसे खुलकर नहीं बोल पा रहे क्योंकि इन्हें भी डर है, क्योंकि ये बीज मझधार में फंसे हुए हैं, दो च्वाइस दो माइंड, पेरेंट्स इनको धमका रहे हैं, हो सकता है मैनिपुलेट कर रहे हैं, डरा रहे हैं, किसी तरह से आपके पार्टनर को ऐसा किया जा रहा है। अगर आपके पार्टनर कार्मिक से डील कर रहे हैं तो माइंड ब्लोइंग है वो, जो भी थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर के ऊपर शिकंजा और से और ज्यादा कसे जा रही है और खुद को स्ट्रांग बना रही है और आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव दे रही है, उनके ऊपर पुश कर रही है, हर तरह से कोशिश कर रही है, अट्रैक्शन अट्रैक्ट करना, ताबीज जादू मंत्र कुछ कुछ भी काम देने वाला नहीं है, बैड कर्मा क्रिएट कर रही है। थर्ड पार्टी जो यूनिवर्स ने लिखा है वही होगा, बस आप लोग पॉजिटिव रहें और अपने ऊपर काम करें। मैं इसमें दिखाना चाहूंगी डियर, ठीक है, इसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगी डॉट डॉट, देखिए मैं कब से इसको दिखाना चाह रही थी, एक मिनट देखिए, अब मैं आपको यहाँ समझा, जो यहाँ मुझे साइन दिख रहे थे ना सब कुछ मैं आपको बता रही हूँ। देखिए आप देख लो यहाँ ब्लैक ब्लैक देख रहे हो, कितने निगेटिविटी है, कितने मतलब आप मैं कह नहीं सकती हूँ, कितने ब्लॉकेज देख रहे हो, आप में डिस्टेंस बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं हाथ जोड़कर, किसी तरह सब कुछ ठीक हो, लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हो ब्लॉकेज ही ब्लॉकेज है, निगेटिव ही निगेटिव है चारों तरफ इनके आगे। लेकिन आप एक पर्सन को देखो, इनका हेड है, ये बैक साइड है, यहाँ थर्ड पार्टी है और इनका बैक साइड है, दोनों में दूरियां है, ठीक है, दोनों ने अपने अपने तरफ से फेस को अलग अलग कर लिया है। आप देखो मैं दिखा देती हूँ, देखो ये एक बंदा है, ठीक है, ये थर्ड पार्टी है, ठीक है, ये थर्ड पार्टी है और ये बंदा है, अपनी पीठ को और अपनी पीठ को दोनों अलग अलग दिशा में न्यू डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है, दुनिया मनमुटाव चल रहा है, फाइटिंग चल रहा है, एक दूसरे को बात ये नहीं मान रहे। आप देख लो एक बंदा ऐसे है, एक बंदा वैसे है, दोनों का बैक साइड एक तरफ है, तो दोनों एक दूसरे से अलगाव कर रहे हैं, फाइटिंग मन मुटाव चल रहा है। यहाँ पे आपके पर्सन बहुत प्रेयर और प्रार्थना कर रहे हैं, खुद को यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है और ये न्यू शुरुआत चाहते हैं आपको, आपको जस्टिस देना चाहते हैं आपके पर्सन। तो देखिए दिए यहाँ बहुत खूबसूरत एनर्जी है, थर्ड पार्टी की मैंने एनर्जी दिखाई, ठीक है, हो सकता है कुछ ना कुछ ये, मतलब मैं क्या बोलूं यार, बोलना भी मुझे मुश्किल होता है ऐसे ऐसे लोग के बारे में, क्या मिलता है ये सब कर कर, खुद अपने बच्चे को अपनी फैमिली को लोग बर्बाद कर रहे हैं और मैं क्या बोलूं, मुझे यहाँ पे अच्छा फीलिंग्स नहीं आ रही है। यहाँ पे जो आपने ब्लैक ब्लैक देखा बिल्कुल अच्छा फीलिंग्स नहीं आ रही है। मैं बोलूंगी अपने आप को बैलेंस में रखिए, ठीक है, अपने ऑरा को और स्ट्रांग बनाइए, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर स्ट्रांग फीलिंग्स आपके लिए डीप कनेक्शन फील कर रहे हैं, जो ये खुद को अपने आप को यूनिवर्स को गॉड को सरेंडर कर दिया है, पेशेंस रख रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक, भले ही इंसान इगोइस्टिक है, हेल्थ इशू है, डिप्रेशन है, टेंशन है, अकेलापन है, ये किसी से बात नहीं कर रहे हैं, अपने आप को बंद करके रखा हुआ है और बहुत प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं कि कुछ भी हो सब कुछ ठीक हो जाए, आपको अपने लाइफ में ये लाना चाहते हैं। देखिए मतलब ब्लैक ही ब्लैक है डियर, देख लो, देख रहे हो ये बंदा को कैसे आप, मैं दिखा आपको दिख रहा होगा ना, ये बंदा आगे मुंह किए हुए, ये पीछे, दोनों का पीठ है, मतलब एक दोनों का
अलग अलग डायरेक्शन, बहुत जल्द मुखौटा हटेगा और इसका एंडिंग होगा डियर। जो भी कुछ कर रहा है, मैनिपुलेट करना, कुछ भी करना, ये गलत हो रहा है, ये बहुत ही गलत हो रहा है। यूनिवर्स एंजल्स आपके साथ हैं, मुझे यही दिख रहा है डियर, ठीक है। मुझे जो दिख रहा है मैंने आपको वो बताया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइन बता देती हूँ, मुझे साइन बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है। कैप्रिकॉन दिख रहे हैं, पाइसेस, एरिस, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, वर्गो, जेमिनाई, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, ये साइन मुझे बहुत ही स्ट्रांग दिख रहे हैं, ठीक है। लियो, कैंसर, जेमिनाई, वर्गो, लिब्रा, पाइसेस, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस, सारे साइन मुझे दिख रहे हैं डियर, ठीक है। तो देखिए ये पार्टनर जो भी हैं, जैसे भी हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा थर्ड पार्टी से किस तरह का अलगाव हो रहा है। ये देखिए मैं फिर आपको सब पढ़ा देती हूँ, समझा देती हूँ। यहाँ पे आपके पार्टनर, ये थर्ड पार्टी, दोनों का बैक साइड से, ये अपने रास्ते और ये अपने रास्ते, फाइटिंग, मन मुटाव। यहाँ पे आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आपको अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, खुद को, यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है। और ये थर्ड पार्टी का तो एंडिंग बहुत जल्द होने वाला है और आपके पार्टनर आपके तरफ बढ़ेंगे, रीयूनियन होगी, आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं और देंगे भी, बहुत जल्द आप लोग से बात भी होगी। अगर ये बात नहीं भी शेयर करें, ये दिल की बात आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि आप ही देख लो यहाँ पे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच कितने सारे ब्लॉकेज हैं, देख लीजिए, ब्लॉकेज ही ब्लॉकेज हैं चारों तरफ। जो भी नहीं हो रहा वो भी थर्ड पार्टी अभी कर रही, दिल और दिमाग पूरा ध्यान जितना करना हो आपके और आपके पार्टनर के ऊपर लगाई हुई है और स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा है या कर रही है आपके पार्टनर के ऊपर। तो मैं यही बोलूंगी, जितना जल्दी हो सके अपने आप को हील कीजिए, क्योंकि ब्लॉकेज अभी भी है, अभी भी मूड स्विंग हो रहे हैं, उतार चढ़ाव की एनर्जी है। जब आप पर कोई भी इंसान आपके ऊपर कुछ ऐसे वर्णन थोप देगा तो क्या होगा, ये बताइए। ये तो इंसान कहीं का नहीं रहा, प्यार आपसे करता है, फंसाया किसी और से जा रहा है, मैनिपुलेट भी किया जा रहा है, तो ये पर्सन अब कहां जाएगा, ये टूट ही जाएगा ना, सिर्फ याद ही कर सकता है ना। लेकिन इन्होंने ठान लिया है कि मुझे स्ट्रांग डिसीजन लेना है। बहुत डीप, बहुत डीप आपके लिए फीलिंग्स हो रही है आपके पार्टनर की, ठीक है। और ये फीलिंग्स को दबा नहीं पा रहे हैं, पूरी रात करवटे ये पर्सन बैठता है, जैसे लगता है मेरे आसपास कोई खुशी ही नहीं है, पीस ही नहीं है, शांति नहीं है। और ये कहना चाहते हैं कि जितनी खुशी, जितनी पीस मुझे तुमसे मिलती है, मैं क्या करूं। ये आपके लिए बहुत, मतलब दिल से कहते हैं कि किसी तरह मुझे यहां से निकलना है और तुम्हारे पास आना है। कुछ के पार्टनर ट्रैवल कर आ सकते हैं या फिर ट्रैवल कर आप मिलने जा सकते हो डियर, ऐसी भी एनर्जी है। कंट्रोल करना शब्द पर बट पर, ठीक है, क्योंकि मुझे किसी व्यूअर्स के पार्टनर से फाइटिंग भी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी इनकी एनर्जी में उतार चढ़ाव, हमेशा बोला है मूड स्विंग है। क्योंकि आप देख लो, आप देख लो कितनी ब्लॉकेज है, देख लो आप कितनी ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज ही ब्लॉकेज है। तो आप देख लो थर्ड पार्टी में और आपके पार्टनर में क्या एनर्जी निकल कर आई, ठीक है। ये उड़ान भर रही है और समझ रही है कि मैं समझ रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा हूं, और आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो डियर। तो आपके पर्सन की एनर्जी मैंने बता दिया, ठीक है, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। मैं उनका मैसेज भी लेना चाहूंगी, एक दो, ज्यादा नहीं लूंगी, एक दो मैसेज लेना चाहूंगी कि सच में उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, ठीक है। एंजल्स गाइड कीजिएगा, एंजल्स गाइड कीजिएगा। देखिए बाबू, आपको सेवन चक्र, मैंने क्या बोला वो निकलना चाहते हैं, आप अपनी हीलिंग कीजिए, ठीक है। सेवन चक्र का मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए, बैलेंस में आइए, ठीक है। आपके पार्टनर की जरूरत हो रही है, वो बहुत जरूरी है मेडिटेशन सेवन चक्र का, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज करेंगे आपके पार्टनर, ऐसी एनर्जी है। लेकिन वो कहना चाहते हैं मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लाइक यू, गुड न्यूज। चलिए डियर, गुड न्यूज आपको मिलने वाला है। तो चलिए, कॉम्प्रोमाइज निकला, आपको पसंद करते हैं, गुड न्यूज आपको मिल रहा है। तो एक मैं और लेती हूँ, देख लीजिए, अब मैं उससे ज्यादा नहीं निकालूंगी डियर, वीडियो नहीं बना, कार्ड निकालूंगी। देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। गुड न्यूज मिल रहा है आपको, वो पसंद करते हैं, ये कहना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। थोड़ा सा ब्लॉकेज है, निकलने दीजिए, लेकिन आप अपने ऊपर काम कीजिए। ये आपके पार्टनर की तरफ से भी आपको मैसेज है, यूनिवर्स की तरफ से भी मैसेज। जितना जल्दी हो सके अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए, स्टार्ट कीजिए, अपने पार्टनर को वहां से निकालिए, क्योंकि आपने देखा ब्लॉकेज ही ब्लॉकेज है ना, ब्लॉकेज ही ब्लॉकेज। इसी वजह से यूनिवर्स की तरफ से भी मैसेज है, आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज है, क्योंकि आप उनकी अदर हाफ हो ना, ठीक है। निकला था ना,
अदर हाफ, हाँ आप उनकी देखिए इसके साथ निकलता है, आपने देखा कल परसों की वीडियो में भी ये निकला था, यू आर माई अदर हाफ। जब आप उनके शरीर का हिस्सा हो तो सेवन चक्र का मेडिटेशन करोगे तभी तो उनको भी एनर्जी मिलेगी, आप बैलेंस करोगे तो ही तो इनको डिवाइन और फेमिनाइन एनर्जी होती है, यिंग और यांग, शिव और शक्ति हाफ जो होते हैं, तो आप सेवन चक्र का मेडिटेशन करोगे तभी तो आपकी पूरा ये मेडिटेशन पूरा होने के बाद ही तो आप दोनों एक होंगे। ये तो बोल ही रहे हैं हम, आप उनके शरीर का हिस्सा हो तो आप सेवन चक्र का मेडिटेशन कीजिए ताकि आप दोनों एक हो जाएं डियर, ठीक है। तो देखा आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, क्या सोचे, क्या उनकी एनर्जी है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा डियर। गॉड ब्लेस एंड थैंक यू।